भोपाल से है, जहां पोषण आहार आदिवासी अत्याचार को लेकर कांग्रेस का धरना है। सदन में चर्चा नहीं करने पर कांग्रेस आज धरना करती हुई नजर आएगी। तो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया जाएगा। और कल राज्यपाल को कांग्रेस ने ज्ञापन भी सौंपा था, तो प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा था, तो विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा इस धरने में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज कांग्रेस धरना देती हुई नजर आएगी। तो दोपहर 2 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पोषण आहार आदिवासी अत्याचार को लेकर कांग्रेस धरना देती हुई नजर आएगी। विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा इस धरने में शामिल होंगे। तो सदन में चर्चा नहीं करने पर कांग्रेस आज धरना करती हुई नजर आएगी। तो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस धरना देगी। आपको ये भी बता दें कि कल राज्यपाल को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा था, तो भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, जिसके चलते आज कांग्रेस गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और करीब दोपहर 2 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पोषण आहार आदिवासी अत्याचार को लेकर कांग्रेस आज धरना देती हुई नजर आएगी। सदन में चर्चा नहीं करने पर कांग्रेस आज धरना करेगी। आपको ये भी बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया जाएगा। और कल राज्यपाल को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भी ज्ञापन सौंपा था, तो विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा इस धरने में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और आपको ये भी बता दें कि भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, जिससे आक्रोशित कांग्रेसी जो हैं आज धरना देते हुए नजर आएंगे। और करीब दोपहर 2 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर इस समय की भोपाल से है, जहां पोषण आहार आदिवासी अत्याचार को लेकर कांग्रेस का धरना देखा जाएगा। और करीब दोपहर 2 बजे ये धरना प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस आज गांधी प्रतिमा के सामने धरना देती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। ऐसे मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, पोषण आहार आदिवासी अत्याचारों को लेकर आज कांग्रेस धरना करने वाली है और करीब दोपहर 2 बजे से धरना शुरू होगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो है कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने वाली है और इसी को लेकर दोपहर 2:30 बजे से इनका प्रदर्शन शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि सदन में जो लगातार हंगामा हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा नहीं हो पाई थी, और इसी को लेकर आज कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने वाली है। पोषण आहार घोटाले का मुद्दा है, आदिवासियों पर अत्याचार का लगातार आरोप सरकार पर लगाती आ रही है कांग्रेस। और कल जो है उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था, ज्ञापन सौंपने के बाद वो है राज्यपाल से मिलने भी पहुंचे थे। इसी को लेकर लगातार जो है कांग्रेस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है पोषण आहार को लेकर जो है सदन में चर्चा करने की बात हुई थी। सीएम शिवराज ने अपना वक्तव्य भी इसमें पेश किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस उससे जो है संतुष्ट नहीं है और यहाँ पर आज वो एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने जो है आज ये प्रदर्शन होगा दोपहर 2:30 बजे से। कांग्रेस के तमाम विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। अभी देखना होगा कि फिलहाल सरकार कितना कांग्रेस के इस प्रदर्शन को सुनती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ऐसा कह रही है कि वो राज्यपाल के पास गए हैं, लेकिन वो लोकायुक्त के पास जाकर भी कोर्ट में भी जाएंगे। तो लगातार जो है कांग्रेस सरकार पर, जो तत्कालीन सरकार है, उस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और आज एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने की तैयारी में। जी देखिए, कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन तो करेगी और गांधी प्रतिमा के सामने जो है प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमितांशी, में तमाम जानकारी देने के लिए।